हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, अपन ने पिछली क्लास में सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ लिया था, कंटिन्यूस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। लेकिन अपन उसके बारे में पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र भी तो उत्पन्न होता है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो देखो, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन यहां पर। तो अपने पास बताया कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का था, कौन कौन सा था? पहला था रेखीय आवेश वितरण, दूसरा था पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ये तीन अपने पास सतत आवेश वितरण थे। अब इनके कारण अपने तीनों के कारण क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, मतलब। तो पहली अपन देखते हैं, पहले वाले के कारण, इसके कारण रेखीय आवेश वितरण, मतलब इस सतत आवेश वितरण है तीन प्रकार का, तो रेखीय आवेश वितरण के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो पहले वाले, तो देखो, माना कि सतत आवेश वितरण होता है कि जब आवेश समान रूप से किसी रेखा पर उपस्थित होता है तो उसको कहते हैं अपन रेखीय आवेश वितरण। तो माना कोई रेखा है, ठीक है, इसकी लंबाई टोटल एल है, ठीक है, इस पर कोई एक अल्पांश डेल है, ठीक है, और इस रेखा पर जो आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, वो कितना है? लैम्ब्डा। कितना है? लैम्ब्डा। तो आप देखो कि जो इस डेल अल्पांश है उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो इस पी बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन एक परीक्षण आवेश क्यू नोट रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस डेल अल्पांश पर, डेल एल अल्पांश पर आवेश का मान कितना होगा? आवेश हो जाएगा डेल क्यू। तो आप जानते हो लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, मैंने उस दिन बताया था आपको कि रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, डेल क्यू अपॉन क्या होता है, डेल एल। तो डेल एल पर कितना आवेश हो जाएगा आपके पास? डेल क्यू का मान कितना हो जाएगा आपके पास? लैम्ब्डा डेल एल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डेल एल अल्पांश पर आवेश कितना हो जाएगा? डेल क्यू बराबर लैम्ब्डा डेल एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस डेल क्यू आवेश के कारण, डेल क्यू आवेश के कारण कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। तो आप जानते हो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल एफ। तो डेल एफ इसलिए क्योंकि एक अल्पांश के कारण देख रहे हैं, एफ नहीं लिख सकते क्योंकि कंप्लीट नहीं है अपने पास, पूरा संपूर्ण विद्युत क्षेत्र नहीं निकालना है। तो बल देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप जानते हो बल का फॉर्मूला, कप्पा डेल क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर दूरी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डेल एफ बराबर क्या जाएगा आपके पास? कप्पा, और डेल क्यू का मान कितना है आपके पास? लैम्ब्डा डेल एल, और यहाँ पर क्या है? क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण, ये संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण का विद्युत बल कितना होगा? संपूर्ण आवेश वितरण निकालने वितरण के कारण बल कितना हो जाएगा? डेल एफ बराबर, डेल एफ बराबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपन संपूर्ण बल निकालने के लिए, इंटीग्रेशन एल, और यहां क्या जाएगा? डेल एफ, क्योंकि संपूर्ण का निकालेंगे अपन, यह एक अल्पांश के काम था, तो संपूर्ण वो लिख दिया मैंने, संपूर्ण आवेश वितरण, ठीक है। तो यहाँ पर एफ, इस पर एल, और डेल एफ का मान कितना अपने पास? के लैम्ब्डा डेल एल और क्यू नॉट अपॉन
आर स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपके पास कप्पा, तो लेमड़ा को बाहर ले लेंगे और क्यू नॉट को क्या ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास एल। इंटीग्रेशन देख लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ये देख लेते हैं ठीक है, क्योंकि तो कप्पा बाहर आ जाएगा, लेमड़ा भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा ये क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा, ओनली क्या बचेगा डेल एल अपॉन आर स्क्वायर ठीक है। तो ये आपके पास आ गया संपूर्ण बल, लेकिन आप आपको क्या निकाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता का फॉर्मूला होता है ए बराबर एल अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर मान रखेंगे, ये मान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसलिए इसलिए बल का मान क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा आपके पास ए बराबर एफ का मान रखा कप्पा लेमड़ा क्यू नॉट डेल एल अपॉन आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्यू नॉट का मान क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो ए बराबर क्या बच जाएगा आपके पास कप्पा लेमड़ा और डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, यह आपके पास आ जाएगा रेखीय आवेश आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा देखो अपन को रेखीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मानो ये एल लंबाई का रेखीय आवेश वितरण है, इससे स्मॉल आर इस पर ये कल्पांश है डेल एल, ये डेल एल कल्पांश है स्मॉल आर, दूरी पर अपन को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर परीक्षण आवेश रखते हैं। तो आप जानते हो ये डेल एल आवेश पर डेल एल कल्पांश पर कितना आवेश होगा डेल कुटा पर लेमड़ा, डेल एल लेमड़ा क्या है यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व होता है मान रख दिया, उसी प्रकार तो यहाँ पर डेल क्यू आवेश के कारण इस क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा, आप जानते हो कि फॉर्मूला था बल था के डेल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बीच की दूरी कितनी है आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया डेल क्यू ये मान रख दिया अपन ने, लेकिन अपन को क्या निकाला इसे अल्पांश का निकला है, लेकिन अपन को क्या निकालना है संपूर्ण तार का निकालना है, तो संपूर्ण तार का निकालना है संपूर्ण आवेश का, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके यहाँ पर डेल का मान रख दिया और यहाँ पर देखो इनका ये मान रख दिया और ये बाहर आ जाएगा ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है डेल एल का, क्योंकि लंबाई का इंटीग्रेशन हो रहा है डेल एल अंदर रह जाएगा ठीक है। अब लेकिन अपन को निकल गया बल, लेकिन अपन अपन क्या निकालेंगे तीव्रता, तो तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे ई बराबर एफ पॉन क्यू नॉट, तो यहाँ पर एफ का मान रख देंगे तो आपके पास क्या जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी ठीक है। तो आपके पास ये रेखीय आवेश वितरण का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी, लेकिन आपको इसके साथ क्या निकालनी है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लेंगे अपन पृष्ठ, तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे कि आप जानते हो पृष्ठ आवेश वितरण का लेना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन पृष्ठ आवेश वितरण का सेकंड के लिए, कि यहाँ पर देखो ये पृष्ठ है, इस पर एक अल्पांश ले लेते हैं डेल एस, क्या ले लेते हैं डेल एस, इस पर आई आवेश मान लो, तो आप जानते हो इसका जो होता है वो कितना होता है सिग्मा, और क्या होता है डेल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डेल एस ठीक है। तो इस डेल एस अल्पांश है ये वाला, तो डेल एस अल्पांश यहाँ पर लंबाई जब क्या लोगे डेल एस अल्पांश लोगे, तो इस डेल एस अल्पांश पर आवेश का मान कितना हो जाएगा सिग्मा डेल डेल ठीक है। यहाँ पर ओनली यहाँ पर चेंज करना अपन को जो रेखा इसका रेखा घनत्व तो होता है लेमड़ा, तो ये होता है पृष्ठावेश वितरण होता है वो घनत्व होता है सिग्मा, ये रख दिया तो यहाँ पर डेल का आवेश कारण क्यू नॉट पर आवेश बल, तो यहाँ से देखो स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर कौन सा मान लो परीक्षण आवेश मान लो ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस लगने वाला बल का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा डेल ऑफ के डेल क्यू पॉन क्यू नॉट, तो आप जानते हो यहाँ पर डेल क्यू का मान डेल क्यू देखो क्या जाएगा सिग्मा, डेल क्यू में क्या जाएगा सिग्मा डेल आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा सिग्मा, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या जाएगा एस लिखेंगे प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या जाएगा लेमडा के पास सिग्मा, और यहाँ पर भी क्या जाएगा सिग्मा ठीक है, और यहाँ पर भी क्या जाएगा सिग्मा हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा सिग्मा, और ये चेंज करते हैं अपन ठीक है। और आपके पास ये किसके निकल गया पृष्ठ आवेश वितरण कारण निकल गया, तो ओनली रेखीय आवेश वितरण में और पृष्ठ आवेश वितरण में एक अंतर है ओनली ये घनत्व है सिग्मा, यहाँ पर क्या जाएगा सिग्मा जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आयतन आवेश वितरण, क्या बोलता हूँ आयतन आवेश वितरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल भी हो जाएगा, क्या एक अल्पांश लेंगे कितना डेल भी अल्पांश लेंगे आयतन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इससे स्मॉल आर दूरी पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका आयतन का रेखीय तीसरा रेखे वो आयतन आवेश वितरण होता है रो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आयतन डेल भी क्या हो जाएगा डेल भी, तो यहाँ पर देखो डेल भी अल्पांश आयतन में आवेश कितना हो जाएगा लेमड़ा रो डेल एल हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास रो जाएगा डेल एल हो जाएगा,
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब आयतन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयतन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास रो, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा रो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आयतन हो जाएंगे आयतन, और यहाँ पर क्या जाएगा डेल वी, क्या जाएगा डेल वी, और यहाँ पर भी क्या जाएगा डेल वी, ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या जाएगा ये डेल वी हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या जाएगा डेल वी हो जाएगा, उसमें डेल एस होगा, सॉरी वहाँ पर डेल एस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल वी, फर्स्ट में डेल एस होगा, फर्स्ट में क्या होगा डेल एस, और इसमें क्या होगा डेल वी, और यहाँ पर भी डेल वी हो गया, डेल वी हो गया, और यहाँ पर भी क्या जाएगा रो, और यहाँ पर क्या जाएगा डेल वी, और यहाँ पर भी क्या जाएगा डेल वी, और इसके लिए क्या जाएगा रो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आयतन आवेश वितरण निकल जाएगा। ओनली आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके पास देखी है तो आपके पास लेना है लेमड़ा वाला, फर्स्ट आवेश वितरण लेना है तो क्या लेना है आपको सिग्मा, और आयतन आवेश वितरण कितना लेना है रो लेना है, तो उसमें देखो लंबाई ले रेखीय लेना है तो डेल एल अल्फा लेना, और प्रश्न लेना तो डेल एस अल्फा लेना, और आयतन वाला लो तो डेल बी आयतन लेना, ठीक है, और आपके पास इस तरह से सोल्व करके आपके पास सतत आवेश वितरण निकल जाएगा सबका अलग, तो इस तरह से आपके पास तीनों का इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू, धन्यवाद।